अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े क्यों किए गए? क्या आपको पता है कि एक ट्रेन की प्राइस कितनी होती है? और क्या आपको पता है कि जापान में किटकैट के 200 फ्लेवर मिलते हैं? आज आप इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 18, ओमनी नाम की एक मैगजीन थी जिसमें कि ये बताया गया था कि रिचर्ड फाइनमैन नाम का ये आदमी दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट मैन है। और इस चीज को जब उनकी मॉम ने देखा तो उन्होंने कहा कि हमारा रिची दुनिया का सबसे चतुर आदमी है, तो भगवान हमारी रक्षा करे। फैक्ट नंबर 17, ये केफिर नाम की एक बिल्ली है जो कि इतनी बड़ी है कि लोग इसको देखकर कुत्ता समझ लेते हैं। और रूस में रहने वाली मेनकुन नाम की ये बिल्ली सिर्फ 2 साल की है और इसका वजन 27 पाउंड है। और ऐसे ही चलते चलते ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली में से एक बन जाएगी। फैक्ट नंबर 16, 85% लोगों को इतने रियलिस्टिक ड्रीम आते हैं कि उनको ये बात पता ही नहीं चलती कि ये रियल लाइफ में हुआ है भी या नहीं, और तब वो लोग ड्रीम में होते हैं तब भी वो ये जस्टिफाई नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 15, जापान में किटकैट के 200 से भी ज्यादा फ्लेवर है और ये सारे ही पॉपुलर है। और ये कीटो काट्सू से बहुत ही सिमिलर नेम है जिसका मतलब निश्चित रूप से जीत है, और इसको लोग एज अ गुड लक देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 14, पिरामिड के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। असल में पिरामिड का जो सेंटर ऑफ पार्ट है, यहाँ पर हमको 20 स्केलेटन देखने को मिलते हैं और वो भी एक अलग प्रकार के चिन्ह के साथ। और ये ऐसा एक अकेला नहीं है बल्कि इसमें 260 हड्डियां हैं। पूरे पिरामिड में इसी तरह के स्केलेटन भरे हुए हैं। फैक्ट नंबर 13, 1859 में अफ्रीका में 24 खरगोशों को छोड़ा गया और अगले 6 सालों में उनकी जनसंख्या 2 मिलियन तक हो गई थी। फैक्ट नंबर 12, आपको तो पता ही होगा कि जो मॉन्क लोग होते हैं जिनको कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसी प्रैक्टिस करवाई जाती है जिससे कि वो अपने हाथों से ही पेड़ों को काट देते हैं। तो ऐसे ही एक मॉन्क थे जिन्होंने 12 साल लगातार एक ही जगह पर खड़े होकर प्रे कर रहे थे, और ये चीज आप फ्लोर पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 11, ग्रीक गोल्डन रेशो के हिसाब से दुनिया का जो सबसे खूबसूरत चेहरा है वो एम्बर हर्ड का है, और इन्होंने ही मैन में हीरोइन का रोल किया है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि असल में एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है? एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में लगभग 24 डिब्बे होते हैं और हर डिब्बे की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए होती है, और सारे ही डिब्बे मिलकर 48 करोड़ के हो जाते हैं, और एक इंजन की कीमत 20 करोड़ रुपए होती है, और इन दोनों को जोड़ने पर ट्रेन की पूरी कीमत 68 करोड़ होती है। फैक्ट नंबर 9, अगर हम पूरी दुनिया के सबसे फेमस वॉलपेपर की बात करें तो वो ये है जो कि पहले हमको विंडोज में देखने को मिलता था, और इस वॉलपेपर को चार्ली और रेयर ने खींचा था। फैक्ट नंबर 8, बेंजिंग में एक तरीके की जॉब होती है जिसमें कि वो आपको ट्रैफिक से निकालते हैं। अगर आप उनको $60 देते हो तो उनका एक आदमी आपकी कार को ड्राइव करके ले आएगा और एक आदमी आपको बाइक से जहां पर भी जाना है वहां पर छोड़ देगा। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको 6 महीनों तक किसी भी फूड को प्रिजर्व कर रखना है तो उसका सबसे सस्ता तरीका ये है, और 6 महीने बाद भी आपका फूड वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। फैक्ट नंबर 6, नासा के हिसाब से 13 अप्रैल 2029 को 9942 एपोपियस नाम का एक एस्ट्रॉइड है के अर्थ से टकराने के चांसेस 2.7% है। फैक्ट नंबर 5, कुमकुमावी नाम का एक पत्थर है जो कि 5 लाख किलो का है, और ये फिनलैंड में ऐसे ही एक और रॉक के ऊपर टिका हुआ है जो कि पिछले 11,000 सालों से वहीं पर रखा हुआ है, और ये अभी तक बैलेंस है, यहाँ से नहीं गिरा है। फैक्ट नंबर 4, एक कैंसर पेशेंट ने अपनी एक सर्जरी करवाई जिसमें कि उसने लंप को निकलवा दिया, और तब उसको ये बात पता चली कि उसके पेट में बचपन का एक खिलौना फंसा हुआ था जो कि उसने खा लिया था, और उसको किसी भी तरह का कैंसर नहीं था, और वो खिलौना 40 सालों तक उसके पेट में ही रहा। फैक्ट नंबर 3, हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून ऐसा पहला ग्रह था जिसको कि टेलीस्कोप से नहीं खोजा गया था बल्कि इसको मैथमेटिकल प्रोडक्शन से खोजा गया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि सेफ्रोन इतना महंगा क्यों बिकता है? तो उसका कारण है कि 1 किलो सेफ्रोन को इकट्ठा करने में 70,000 फूल लगते हैं, और हर फूल में से हाथों से सेफ्रोन को निकाला जाता है, इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के आखिर 200 टुकड़े क्यों किए गए? अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तब उनका सिर बाकी बच्चों की तुलना में बहुत बड़ा था, और उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था तो डॉक्टर नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों है। और जब आइंस्टाइन बड़े होने लगे तब उनको असमान और एबनॉर्मल बच्चा कहा जाने लगा, क्योंकि आइंस्टाइन की सोच कुछ अलग ही थी, और तब तक इनके माता पिता को ऐसा ही लगता था कि इनके सिर के बड़े होने के कारण आइंस्टाइन इस तरीके के हैं। और उनके मरने के बाद ये बात पता चली कि आइंस्टाइन का सर अभी तक का एक अजूबा था। आइंस्टाइन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट थॉमस स्टोलर्स हार्वे ने उनकी फैमिली से बिना पूछे उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से निकाल लिया। हॉस्पिटल के
लाख मनाने के बावजूद इन्होंने उसे नहीं लौटाया। 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा गया और अभी तक इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और 20 सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति से उन्होंने उस दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि थॉमस ने इनके दिमाग के 200 टुकड़े किए और उनको अलग अलग वैज्ञानिकों को भेज दिया। इसके लिए उनको हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया, लेकिन इसमें ये बात पता चली कि नॉर्मल लोगों की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक सेल संरचना एक्स्ट्रा थी और शायद यही वो कारण है जिससे कि आइंस्टाइन इतना अलग सोचते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना।